लेकिन आप बच्चे को हर चीज एक बार में मत दे, उसे चीजों की वैल्यू पता करने दे। हेलो मम्मीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शिवा। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ, इवन बात क्या करने वाली हूँ, मैं एक क्वेश्चन पूछने वाली हूँ आपसे, सारे पेरेंट्स से, कि डू यू रियली लव योर चाइल्ड। क्या आप सचमुच अपने बच्चे को प्यार करते हो या सिर्फ आपको लगता है कि आप उसे प्यार करते हो? तो मैं आपके साथ ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 पॉइंट डिस्कस करूंगी जिससे ये पता चल रहा कि सच में आप अपने बच्चे को प्यार करते हो या आपको ही लगता है। तो नंबर 1 पॉइंट इज, बच्चे को स्कूल में कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो उसमें आप उसका प्रोजेक्ट बना देते हो बिकॉज ऑफ कि आपकी इंसल्ट ना हो, आपको लोग कुछ ना कहेंगे कैसे पेरेंट है नहीं बनाया, या बच्चा आके आपसे ना कहे कि मम्मा उसका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा था, मेरा बहुत खराब था। अगर आप ये कर रहे हो तो आप अपने बच्चे को नहीं, आपको प्यार करते हो, क्योंकि आपको इनसिक्योरिटी फीलिंग है कि मेरा बच्चा ना आके मुझसे कुछ कह दे, उसके टीचर मुझे ना कुछ कह दें। प्रोजेक्ट मिला है सबको बनाने, प्रोजेक्ट का तो ये है कि मैं जहाँ रहती हूँ यहाँ पास में ही एक जगह पर मैंने एक बोर्ड लगा देखा कि बच्चों का प्रोजेक्ट आप आके बनवा सकते हैं, पैसे दीजिए, वो आप प्रोजेक्ट बताइए क्या है, वो बनाकर आपको घर पे डिलीवर कर देंगे और बच्चे का स्कूल में जमा कर दीजिए। सबसे पहली चीज कि प्रोजेक्ट मिलता क्यों है, इसलिए तो नहीं मिलता है कि घर ले जाओ मम्मा पापा से बनवा लेना या कहीं पर भी पैसे देके बनवा लेना और हमें लाकर जमा कर देना। उन्हें स्कूल में प्रोजेक्ट सजाना नहीं होता है कि हाँ उन्होंने सजा के रख दिया स्कूल की शोभा बढ़े। प्रोजेक्ट का मतलब है बच्चे घर पे वो चीजें बनाए, उससे कुछ सीखे। आपका बैठना बहुत इम्पोर्टेंट है, आपका इन्वॉल्व होना बहुत इम्पोर्टेंट है, पर पूरा प्रोजेक्ट ही आप बना दें ये कहाँ की बात है कि पूरा प्रोजेक्ट आपने बना दिया और बच्चे को आपने पकड़ा दिया कि ये लो बेटा तुम्हारा बन गया, कल तुम सबमिट कर देना और देखना सबसे अच्छा तुम्हारा बना होगा और मुझे बताना सबसे अच्छा किसका बना था। मुझे नहीं लगता ये सही है। आप बनाइए, आप बनवाइए बच्चे के साथ मिलकर, बना कर मत भेजिए। अगर आप बना कर भेज रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि मैं बहुत प्यार करता हूँ अपने बच्चे को, तो आप खुद से गलत बोल रहे हैं, आप खुद से झूठ बोल रहे हैं। ये सारी चीजें बच्चों को करते रहना चाहिए, जैसे कि न्यू ईयर में एक ग्रीटिंग कार्ड बनाना, मदर्स डे, फादर्स डे, ग्रैंड पेरेंट्स डे, इन सब चीजों में बच्चे ग्रीटिंग कार्ड बनाए, उन्हें गिफ्ट करें, उसमें कुछ लिखें, ये सब बहुत अच्छी बात है। और ये सब तभी होगा जब शुरू से आप करवाएंगे। जैसे अगर आपका बच्चा अभी केजी में है, वन में है, तो आप उसके साथ बैठिए, कार्ड आप बनाइए, उससे हेल्प लीजिए, उसे इन चीज़ों की वैल्यू पता चले कि नहीं मुझे बनाना है क्योंकि न्यू ईयर आ रहा है तो मुझे मैम को कार्ड देना है, मैम का बर्थडे आ रहा है, टीचर्स डे आ रहा है। मेरा बेटा जब क्लास 1 में था तो मैंने बहुत प्यारा सा एक ग्रीटिंग कार्ड बनाया था मैंने खुद ने, उसने मेरी बहुत हेल्प की थी उसमें, क्योंकि वो बहुत छोटा था क्लास 1 में जब वो था, तब भी उसने मेरी बहुत हेल्प की थी। उसके अंदर जो भी लिखा था उसने खुद लिखा था। अगर हो सका तो मैं पिक्चर इंसर्ट कर दूंगी, आप देखिएगा, वो कार्ड बहुत अच्छा था। आगे पीछे में सारी पिक्चर इंसर्ट कर दूंगी, आप वो कार्ड देखिएगा। पर अभी उस कार्ड के बाद क्या होता है, उसे मतलब उसे खुशी मिलती है कार्ड बनाना, देना। अभी मदर्स डे पर उसने मेरे लिए कार्ड बनाया। तो कैसा भी बनाए, क्या लिखे, क्या फर्क पड़ता है, बच्चे ने बनाया, बच्चे ने टीचर को दिया, वही बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे पास चित्रों में है कार्ड, मतलब पेपर्स में, आपको बताऊं, कागज में लिखा है आई लव यू मैम, वी विल मिस यू मैम, कागज में, और एक फ्लावर बना हुआ है, और किसी किसी पेपर में तो कुछ भी बना हुआ है। मैं जब स्कूल छोड़ रही थी, मेरी जब शादी होने वाली थी, तो मुझे बच्चों ने मतलब टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में दिया था आई लव यू मैम, बस उसमें लिखा था आई लव यू मैम, आई मिस यू मैम। एक क्लास 2-3 में बच्चों को इतना बहुत ज्यादा लिखने की समझ नहीं होती, स्पेशली तब जब पेरेंट्स ने ना कराई हो। वो मेरे पास कलेक्ट है, मेरे पास ऐसे बंडल्स में है, उसमें बच्चों का प्यार है, मैं उसे फेंक ही नहीं सकती। वो मेरे पास आज 10 साल से मेरे पास है, मेरे पास पूरी पॉली में करके रखा है। मैं मेरे बेटे को भी दिखाती हूँ कि देखो मुझे बच्चों ने दिया था। तो बच्चा आपको दे रहा है, बच्चा टीचर को दे रहा है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि बच्चे ने कैसा बनाया। जब प्रोजेक्ट शुरू से बच्चा बनाएगा, आप उसमें इन्वॉल्व होंगे, आप उसको आइडियाज देंगे, आप यूट्यूब से सर्च कर सकते हैं आइडियाज, आप उसे सामान ला कर दीजिए, आप उसकी हेल्प करिए, बनिस्बत इसके कि आप खुद बना दें या कहीं और से बनवा लें। पॉइंट नंबर 2, क्या आप उसकी सारी जिद पूरी कर रही हैं जस्ट बिकॉज कि आप उसे रोते नहीं देख सकते? इसमें भी कहीं ना कहीं
आपकी ही वो छुपी हुई है, मतलब आप बच्चे को प्यार नहीं कर करते, आप खुद को प्यार करते, क्योंकि उसके टैंट्रम्स आप नहीं हैंडल कर पाते हैं। आप चाहते हैं कि मैं जो मांग रहा है मैं दे दूं, बैठ जाए किनारे, कम से कम मुझे परेशान ना करे। होता है ऐसा? खुद से पूछिए, होता है। बच्चा अगर टीवी चलाने के लिए कह रहा, पिछले 2 घंटे से वो टीवी देख रहा है, ठीक है, उसने आपसे कहा मुझे अभी एक और कार्टून देखना, नहीं मम्मा प्लीज मम्मा, वो रो रहा है, आपने टीवी लगा दी, चलो यार बैठा तो रहे, चुप तो रहे, और आप रीजन क्या देते, मैं उसे रोते नहीं देख सकती। रोएगा क्यों? आप उसके साथ कुछ और गेम्स खेल सकते हैं, आप उसके साथ कुछ बातें कर सकते हैं। टीवी, मोबाइल या उसकी जिद पूरी करने के अलावा बहुत सारे और भी ऑप्शंस हैं। आप उसकी जिद पूरी करोगे, वो जिंदगी भर आपसे अपनी जिद पूरी करवाएगा, कोई फायदा नहीं। और अगर आप उसके पीछे ये कह रहे हो कि मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ या मैं करता हूँ, तो ये आप खुद से प्यार करते हो, उससे आप खुद से प्यार करते हो, क्योंकि आप अपना टाइम उसे नहीं दे पा रहे हो। खुद से प्यार करते हो क्योंकि आपको मोबाइल में बिजी रहना है। आप खुद से प्यार करते हो क्योंकि आपको टीवी पे कुछ और देखना, आपने उसे मोबाइल दे दिया, आप उससे प्यार नहीं करते। एक बार खुद से ये क्वेश्चन फिर से पूछिएगा बच्चे की जिद पूरी करने से पहले। आप उससे ये भी कह सकते हो चलो हम लोग ये अलग गेम खेलते हैं। यकीन मानिए कि जिस दिन आपने ये कहा ना कि टीवी बंद करो, चलो हम और तुम ये खेलते हैं, बच्चे ने 2 सेकंड में टीवी बंद कर देनी है। मैं 100% श्योर हूँ बच्चा 2 सेकंड में मोबाइल आपको दे देगा। आप उसके साथ खेलने के लिए तो कहिए, बच्चा अपना टाइम यूटिलाइज करना चाहता है, वो खेलना चाहता है, वो खुश रहना चाहता है। और पेरेंट्स से ज्यादा खुश वो किसके साथ रह सकता है? आप उसे गार्डन लेके जा सकते हैं, आप उसे आसपास कोई पार्क को लेके जा सकते हैं, आप आउटडोर गेम्स नहीं खेल सकते, आप इंडोर गेम्स खेल सकते हैं, लेकिन नहीं, आप खुद से प्यार करते हो। और ये बात आप खुद से बोलिए, अगर आपका बच्चा आपसे सारी जिद पूरी करा रहा है और आप कर रहे हैं, तो आप उसे प्यार नहीं करते। पॉइंट नंबर 3, डू यू गिव देम एवरीथिंग जस्ट बिकॉज कि आपको सब कुछ नहीं मिला और आप उसे हर वो चीज़ दिलाना चाह रहे हैं जो वो मांग रहा है? कोई भी टॉय हो, अलग अलग स्टाइल के बैग्स, बॉटल्स, टिफिन, स्कूल एसेसरीज, कलर्स, कुछ भी, वो जो मांगता है आप उसे दिलाते हो। और उसके पीछे रीज़न क्या होता है? क्योंकि आपके टाइम पे आपको सारी चीज़ें खेलने के लिए या यूज़ करने के लिए नहीं मिली, आप चाहते हो आपके बच्चे को सब कुछ मिले। आप उसे एक ऐसा बच्चा बना रहे हो जिसे बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी मेहनत के सब कुछ मिल रहा है और आगे बढ़ा वो इन्हीं चीज़ों के साथ हो रहा है। अगर आपके बच्चे को कोई टॉय दिलाना है, आप उसे सेविंग सिखा सकते हो कि थोड़ी सी सेविंग्स तुम करो, थोड़ी सी मैं करता हूँ, चलो ये लेकर आ दें, कोई ऐसी चीज़ है, कोई एक्सपेंसिव टॉय है। अगर आपके बच्चे को कहीं घुमाने भी ले जाना है, तो आप उसके पीछे एक छोटा सा रीज़न दे सकते हो कि ठीक है तुम्हारा स्कूल में टेस्ट होने वाला है, टेस्ट बहुत अच्छा चल निकल गया तो हम लोग वहाँ चलेंगे। कुछ ना कुछ आप उसके घूमने में, उसके चॉइस में, आप कुछ ना कुछ इन चीज़ों को इन्वॉल्व कर सकते हो, हर चीज़ में, कि वो कुछ भी मांग रहा तो आप हर चीज़ में उसको कोई रीज़न दे रहे हो कि तुम ये करोगे तो ये होगा, नहीं। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें जैसे बच्चे मॉल्स जाके गेम्स खेलना बहुत पसंद करते हैं, इस पर भी मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे को मैं मॉल ले जाती हूँ, वो बहुत गेम्स खेलता है, क्यों ले जाती हूँ, कब ले जाती हूँ, कैसे ले जाती हूँ, वो मैं सारी डिटेल आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन आप बच्चे को हर चीज़ एक बार में मत दे, उसे चीज़ों की वैल्यू पता करने दे, पता चलने दे, सॉरी, कि हाँ किस चीज़ की क्या वैल्यू है, कब क्या चीज़ देनी है, इसका ज़रूर ध्यान रखें। वरना वो इन्हीं चीज़ों के साथ बड़ा हो रहा है कि बिना किसी मेहनत के उसे सब कुछ मिल जा रहा है। आई होप कि मैं इन 3 पॉइंट से आपको समझा पाई होंगी कि आप अपने बच्चे को ज़्यादा प्यार करते हो या खुद से। तो ये क्वेश्चन खुद से अगली बार ये सब करने से पहले ज़रूर पूछिएगा। तो चलिए, दैट्स इट फॉर माई वीडियो। आई होप यू लाइक इट। इफ यू डू सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, कमेंट डाउन बिलो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।